सो अज दी वीडियो अपनी रहेगी मैप ते। मैप दे विच मेन जिहड़ियां चीज़ां आउंदियां आउंदियां चेंजेस। ठीक है, चेंजेस दे विच की चीज़ां आउंदियां सारे नाल पहला गल करते हैं भी जदों कोई चीज़ नहीं बनती आ उहनूं आपां की बोल सकते हाँ, कंस्ट्रक्ट आ गया, बिल्ड आ गया, इंट्रोड्यूस आ गया, होर तुसीं जो भी एस्टेब्लिश लिखना चाहुंदे हो वी आ जाऊंगा। ठीक है, फिर होर की चीज़ हुंदी आ तोड़ना, जिहड़ी चीज़ पहला हुंदी आ। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ इत्थे सीगी इत्थे नहीं हैगी, खत्म हो गई, तोड़ती या कुछ भी तुसीं कह सकते हो, उहदे विच आ जाऊगा एलिमिनेट, वैनिश या डेमोलिश। दैन जिहड़ियां चीज़ां फॉर एग्जाम्पल सिनेमा की थान ते कोई रेस्टोरेंट बन गया, बदलना बदलना उन्हूं तुसीं लिख सकते हो कन्वर्ट इनटू, शिफ्ट इनटू या फिर रिप्लेस विद। दैन किसी चीज़ का जो साइज इनक्रीज करता, भी पहला साइज छोटा सी दैन उसका साइज इनक्रीज करता, तो उन्हें लिख सकते हो एनलार्ज, एक्सपेंड, एक्सटेंड या बिकम लार्जर। जे किसी चीज़ का साइज छोटा हो गया दैन श्रिंक, बिकम स्मॉलर या फिर अपने आ जाऊगा, होर की लिख सकते हैं श्रिंक, बिकम स्मॉलर, कॉन्ट्रैक्ट। ये तो आ गए मेन चेंजेस जिहड़े जिहड़े आउंदे आ। इस तो बाद नोट कर लिया, इस तो बाद जिहड़ियां चीज़ां सर ना जिहड़ी मेन चीज़ जिहड़ी आपां नूं ज़्यादातर नहीं पता, एक मिनट वोकैबलरी दे विच एक दो मैं तुहानूं होर वोकैबलरी दिखा देना। ये विच मान लो कई बार की हुंदा हुंदा मैप दे विच, मान लो ब्रिज आ जाता होगा, रिवर आ गई, रिवर के उत्तों की ब्रिज टपदा पाया, इनू की लिखांगे, ब्रिज ब्रिज है ऑन द रिवर लिखांगे या की लिखांगे, अक्रॉस द रिवर। ठीक है, ब्रिज वाली जड़ी चीज़ होंगी आ ब्रिज वगैरह, वो अक्रॉस हों, अक्रॉस द रिवर। ठीक है, मान लो एक आ रिवर नॉर्थ टू साउथ एवें जा रही है, हुण तुसीं की लिखोगे, आ रिवर नॉर्थ टू साउथ की कर रही है, फ्लो कर दी होंगी है। ठीक है, रिवर वास्ते तुसीं फ्लो वर्ड लगाओगे या तुसीं रन भी लगा सकते हो, रन जिहड़ा रोड होंगे, रोड रोड वास्ते हमेशा रन ही लगता हूँ, उहदे वास्ते तुसीं हमेशा रन वर्ड लगाउणा। ओके, सो उस तो बाद हाँ वक्त लगभग इन्नी ही आपां नूं, जे कोई होर हुई तां नाल दी नाल आपां दस्सी जावांगे। हुण एक दो चीज़ां ये आ भी फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ मान लो ये अपने को मैप आ, जो भी ईस्ट वैसट नॉर्थ साउथ, जे तो मान लो कोई चीज़ इत्थे एक रेस्टोरेंट बनया होया, ये कि डायरेक्शन जा नॉर्थ च, जे कोई भी चीज़ किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, जो पार्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब यहाँ कल्ला नॉर्थ, कल्ला साउथ, कल्ला ईस्ट, कल्ला वैस्ट, तुसी उन्हें लिखोगे टू द नॉर्थ, द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ, टू द ईस्ट, टू द साउथ, टू द वैस्ट। इन द केस कोई चीज़ एक डायरेक्शन च नहीं गई, इत्थे आ वैस्ट, जो साउथ वैसट आ गया, ये लिखोगे इन द साउथ वैसट, वैसट साउथ या साउथ वैसट, मतलब जे कोई चीज़ पर्टिकुलर डायरेक्शन चा उहदे अगे तुसी टू लाओगे टू द नॉर्थ, जे एक डायरेक्शन च नहीं गई ए वाली डायरेक्शन चा उहदे अगे तुसी इन लगाओगे। ये चीज़ थोड़ी जी तुसी आपदे माइंड च रखनी आ, पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले च टू द, ते जिहड़ी पर्टिकुलर डायरेक्शन च नहीं गा उहनू इन द। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड च रख के चल। होर लगभग मेन चीज़ा यही आ, आप हुण करदे आ मैप ते नाल नाल मैं तुहानूं दस्सी जाऊंगा जे कोई चीज़ आऊगी। सो इहदे विच सारे नाल पहलां आपां इंट्रो लिखदे हां। इंट्रो कराउण दा हर एक टास्क वन टास्क टू दा अपना सेम ही मैथड आ, द इनफॉर्मेशन अबाउट तो मैं शुरू हुंदा। हुण इहदे विच की है सारे नाल पहलां देखदे हां किसकी दा, कार पार्किंग आ, कार पार्क दा मैप आ,
अच्छा सिनेमा दा वा, सिनेमा इन 1980 ते सिनेमा नाउ, मतलब कहिंदा ए अपना जिहड़ा मैप आ ए इक सिनेमा दा मैप आ, सिनेमा दे विच कित्थे फस्ट सिनेमा, कित्थे टिकट ड्रिंक्स टॉयलेट वगैरह कित्थे आ, ओ चीज़ 1980 ते ओ चीज़ नाउ, मतलब हुण ग्राफ किसी भी तरीके दा आ सकदा, प्रेजेंट दा फ्यूचर ना भी आ सकदा, ओ आपां होर करांगे, ए हुण अपना पास्ट दा प्रेजेंट दे नाल, ठीक आ। हुण इहदे विच देखो सर ना, पहिलां आपां इंट्रो कैसे लिखनी आ, इंट्रो मैं हमेशा तुहानू यही कहना ना, मेन अपनी इंट्रो इत्थों शुरू हुंदी आ, द इनफॉर्मेशन अबाउट, द इनफॉर्मेशन अबाउट, द इनफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस। देखो मैप दे विच तां चेंजेस ही आउंदे हुंदे आ, कोई भी मैप होवे किसी भी तरीके दा चेंजेस ही होने आ, ते चेंजेस किहदे च होने आ, उहदे इंफ्रास्ट्रक्चर च। इनफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ किदा सिनेमा, ऑफ सिनेमा इज इलस्ट्रेटेड बाय गिवन मैप, ठीक है, इन द पीरियड ऑफ, इन द पीरियड ऑफ, हुण पीरियड का मतलब की है टाइम पीरियड, किन्ने टाइम पीरियड आसी 1980, नाउ का मतलब प्रेजेंट, कितना हो गया 1980 तो लैके हुण 2023 चलता पाया, किन्ने साल हो गए 43, इन द पीरियड ऑफ 43 ईयर्स, एवें तुसीं पीरियड लिखोगे। सो कोई भी मैप आऊगा तो इनफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ, इतों तक तो सेम आऊगा, फिर वो मैप किदा वा उहदा नेम इत्थे लिखोगे, इलस्ट्रेटेड बाय द गिवन मैप इन द पीरियड ऑफ, सब कुछ सेम, तो किन्ने साल का विच पीरियड पैंदा पिया वो तुसीं इत्थे लिखोगे, एवें तुसीं इंट्रो लिख सकते हो वधिया तरीके दी, समझ आए, ठीक है। हुण गल आउंदी ओवरऑल, ओवरऑल तुहानूं पता ही आपां मेन चेंजेस लिखने हुंदे, हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी, ओवरऑल का मतलब ये नहीं गा एक पक्का जो ओवरऑल ही ला लो, हुण मैप वगैरह च कोई बच्चे नूं कोई चीज़ ज़्यादा पहला नोटिस होगी, कहना मतलब ओवरऑल का मतलब हुंदा कि कहड़ी चीज़ तुसीं सर नाल पहला नोटिस कीती, ठीक है। किसी बच्चे नूं कोई चीज़ देख सकते, किसी बच्चे नूं कोई तो कोई लेना देना नहीं गा, जो तुहानूं देखदा वो तुसीं लिख सकते। हुण इहदे च तुहानूं मेन चेंजेस की लगी जांदा 1980 ते नाउ दे विच की लगता पे मेन चेंज, कोई दो मेन चेंजेस देख लो, हैं सिनेमा की कौन सी, ये वाली ज़्यादा होगी, मतलब सिनेमा की बिल्डिंग्स ज़्यादा होगी, मतलब जो सिनेमा हॉल थे उनकी नंबरिंग इनक्रीज होगी, ठीक है। और कोई चेंजेस, मतलब आ जड़ियाँ चीज़ें नवियाँ ऐड की गई, ठीक है, मतलब आ वेखो रिलैक्स रूम, फूड एंड ड्रिंक्स, मतलब कन्फेक्शनरी वगैरह या ला लीए, या फिर तुम आ लिख सकते हो DVT शॉप नवी पाई है, ये ज़्यादा थोड़ा जा अलग जा, ये लिख लो, ठीक है। हूँ इन लिखना कैमें, पता तो लग जाता लिखना कैमें, तुम लिखोगे ओवरऑल द हैज बीन मैनी चेंजेस occur during the whole period, but the most noticeable are ek ta aagi nave banne nu ki kehnde aa, main likh langa introduction of, इंट्रोडक्शन की थी DVD शॉप की, इंट्रोडक्शन ऑफ DVD शॉप एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिनेमा हॉल, ठीक है। मेन चेंज देखो, राइटिंग का मतलब की है, राइटिंग का मतलब जिन्ना इन सिंपल रखोगे, जिन्ना ईजी अगले को समझ आऊगा उन्ने बैंड ताटे ज़्यादा, जिहड़ी चीज़ तुहानू देखती पई आ इहनू देख के उही चीज़ एग्जामिनर नू देखोगे, बट थोड़ा वे ऑफ राइटिंग जिहड़ा वधिया होना चाहिए, वोकैबुलरी दे पिछे नहीं आपां भजना, आपां भजना अपनी मतलब अपना वे ऑफ राइटिंग वधिया होवे, जिहनू पढ़ के एक बारी च अगले नू समझ लग जाए भी हाँ
जे मैं कहूँ भी इंट्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन डेविड शॉप की, हाँ देखो आ देखो हुई अभी एग्जैक्टली पता लगी जाता। दूजा जे मैं लिखा भी इनक्रीज इन द नंबर ऑफ सिनेमा हॉल होए आ, यही चीज़ थोनू देखनी है, यही चीज मैनू देखनी है, बस आप लिखना इनू तरीके नाल, बस मेन जो इंट्रो तो ओवरऑल बड़े वधिया तरीके नाल लिखा करो। टास्क वन नू आपां इग्नोर कर देने आ, बट ये फायदे बहुत आ थोनू, जिहड़ी एक राइटिंग एक तो होंगी ना छे ते रह गई साढ़े पाँच ते रह गई, जे तुसीं उहनू सत्त साढ़े सत्त तक लैके जाना टास्क वन का रोल ज़्यादा आ, ठीक है, क्योंकि टास्क वन इग्नोर कर देने आपां, टास्क टू ते ज़्यादा फोकस करते हैं तो ये इग्नोर हो जाता, तो ये बैंड ये घटते फिर, ठीक है। तुम मान लो वो छे चो चार लै लोगे ना, ये चो तीन चो ढाई भी आ गए थोड़े साढ़े छे बैंड, ये तीन चो ढाई लैने सौखे आ, वो चो छे चो चार साढ़े चार लैने औखे आ, ठीक है। सो ये फोकस करा करो ये भी हूँ, आ चीज़ समझ आ गई इंट्रो कैमें लिखनी है तो ओवरऑल कैमें लिखना, ठीक है। हूँ आप बीपी वन पर जाने करना प्रेस कर दी कि इंट्रो करना समझ नहीं आई। मैंने कहा देयर हैज बीन मैनी चेंजेस अकर ड्यूरिंग द होल पीरियड, मैंने कहा वैसे तो बहुत से चेंजेस अकर हुए हैं, नहीं 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 ये आप ऐसे लिख सकते हो ओवरऑल में ये चीज इट कैन बी नोटिस्ड भी आप लिखते ही हैं, ठीक है, लिख सकते हो इसको आप, अगर नहीं लिखनी तो आपकी मर्जी है, आप सीधा भी लिख सकते हो ओवरऑल द मोस्ट नोटिसेबल चेंजेस आर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। हर एक बंदे का अपना अपना राइटिंग का तरीका है, ठीक है, कोई बंदा कैसे लिखे इसका मतलब ये नहीं है वो गलत है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखना तो वैसे आप लिख लो, ठीक है, करना बीपी वन। अब बीपी वन दे विच आपां पहला जिहड़ा सिनेमा 1980 वाला इनू डिस्कस करने हूँ, ये डायरेक्शन कि डायरेक्शन दे, देखो दो तरीक हिसाब न होंगे होंगे आ जड़िया आप एक्सप्लेन करते हैं ना चीज़ों को, दो तरीके हिसाब न, एक तो हो गया डायरेक्शन, दूजा कि तरीका, एक तो डायरेक्शन दस दी आप कि कोई चीज़ नॉर्थ चा नॉर्थ वैसट चा, होर दूसरा तरीका एक होर अपवर्ड डाउनवर्ड, हाँ वो भी हो सकता है, उसको बोलते हैं सैक्शन, सैक्शन कैमें होंगे आ मैप आ, इसको सैक्शन में डिवाइड कर लिया, ये सैक्शन में डिवाइड हो गया, ये आ गया मिडल सैक्शन, ये आ गया राइट मिडल सैक्शन, ये आ गया लेफ्ट मिडल सैक्शन, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, इसको सेक्शन में डिवाइड किया मिडल सेक्शन, राइट मिडल सेक्शन, लेफ्ट मिडल सेक्शन, अपर लेफ्ट सेक्शन, अपर मिडल सेक्शन, अपर राइट सेक्शन, अपर लोअर सेक्शन, ओ सॉरी लोअर लेफ्ट सेक्शन, लोअर मिडल सेक्शन, लोअर राइट सेक्शन, इन्हां नाल भी आप दस सकते हैं। मान लो कोई चीज सिनेमा टू आ, यह हैगा अपर राइट सेक्शन, डायरेक्शन तो चलो जो भी है वो नॉर्थ वैसट साउथ वैसट जो भी है वो तो हैगी आ, बट ये भी तुसी यूज कर सकते हो भी दो तीन चीज़ा ये ना दस दी, दो तीन चीज़ा सैक्शन तो एक दो चीज़ा डायरेक्शन ना दस दी, तुसी ऐसा अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। हुण इहदे विच तुसी डायरेक्शन लाओ, आ थले वाली कड़ी आ साउथ, उपर इधर ईस्ट, ठीक है, हुण तुसी दोनों के सामने आप चलांगे, ठीक है। इन 1980, ठीक है, सब तो पहला आप स्टार्ट कर सकते हैं, इतों ही स्टार्ट कर लो, कार पार्क कितने आ, इन्हें तुम कैसे लिख सकते हो, आ सारा उपर वाला अपर सैक्शन ही है टोटली, इन अपर सैक्शन लिख सकते हो, लिखना तुम डायरेक्शन भी लिख सकते हो नॉर्थ, बट क्योंकि ये सारा ही कार पार्क देखा आ, दैन एक ही अपर सैक्शन, या फिर तुसी पूरा लिखना तो नॉर्थ साइड वर्ड यूज कर सकते हो, पूरी नॉर्थ साइड, ठीक है, हुण ये तुहाडे ते डिपेंड है तुसी लिखना कैसे आ, तुसी लिखो
इन 1980 ए कार पार्क वॉज लोकेटेड इन द होल अपर सेक्शन ऑफ द मैप। ठीक है, उस तो बाद हुण तुसी इदे ते आओ टॉयलेट ते। हुण टॉयलेट केड़ी डायरेक्शन जा गई? नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्ट या फिर एक चीज होर, एक मैं थानू होर लाइन लिखनी सिखाऊंगा। नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द मैप वॉज अक्यूपाइड बाय, अक्यूपाइड वर्ड लगा सकते, अक्यूपाइड बाय टॉयलेट। इधे हुण बिल्कुल अपोजिट, अपोजिट वर्ड लगा सकते हैं या इधे बिल्कुल अपोजिट। ए या सिनेमा, सिनेमा सेकंड कुड बी सीन इन द जस्ट अपोजिट साइड ऑफ द साइड ऑफ द मैप। ठीक है, सिंपल लिखना, बिल्कुल सिंपल, कोई ज़्यादा वोकैबलरी पाउन की कोई ज़्यादा लोड नहीं गी। ठीक है, उस तो बाद ये चीज़ हो गई, हम थले वाली दो रह गई। ठीक है, हूँ इनू आप फिर सैक्शन पा दें। थोड़ा जहा एक अद्धा वो लगा दो सी आफ्टर डैट। इन द लोअर लेफ्ट section, in the lower left section, cinema one was accounted and two departments of drink and ticket, या फिर टू तो नहीं, department, departments of drink and ticket was also, department of drink and ticket was also seen in the साउथ ईस्ट साइड। लो सिंपल, ठीक है, हो गया। इहदे विच की हुंदा ना, मैप दे विच पहले दे विच तुसी पहला जिहड़ा बीपी हुंदा उहदे च तुसी लोकेशनां दसणियां सारिआं दीआं वी किहड़ी चीज़ कित्थे आ, किहड़ी चीज़ किहड़ी डायरैक्शन च आ, किहड़ी चीज़ किहड़े सैक्शन च आ। ठीक है, तो दूजे बीपी तुसी चेंजेस दसने हैं की चेंजेस आए। हुण आपां सैकेंड बीपी दसांगे भी किहड़ी चीज़ नवीं बनी, किहड़ी चीज़ बदली। जिहड़ी आपां वोकैबुलरी लिखी सी सैकेंड बीपी लई हुंदी आ, ते आ जिहड़े सैक्शन ते डायरेक्शन आ ये पहले बीपी लई हुंदी। ठीक है, हाँ जी, सीन ठीक है करना ही रेज। हुण सैकेंड दे विच आपां इहदे चेंजेस देखदे आं।
इन्हें वापस स्टार्ट कर सकते हैं, टर्निंग टुवर्ड्स द प्रेजेंट डे मैप। इसका मतलब है आज का मैप जरा नाउ, टर्निंग टुवर्ड द प्रेजेंट डे मैप। ठीक है, हुण तुसी देखो कार पार्क खत्म। सर ना पहला कार पार्क सी, कार पार्क इतने है ही नहीं गी, कि हैगी है? नहीं हैगी, कार पार्क उन्होंने एलीमिनेट करता। तुसी ओही चीज इतने लिख सकते हो, देखो एक चीज जे तुसी वधिया तरीके नाल मैप लिखना ना, तुसी एवें कर सकते हो, जिहड़ी सीक्वेंस च तुसी उपर वाले बीपी लिख के आए हो ना, भी जिवें पहला कार पार्क का लिखिया, दैन फिर आप टॉयलेट्स का लिखिया, दैन आप सिनेमा टू का लिखिया, उस सीक्वेंस ही चेंजेस दसो, वो थोड़ा वधिया लगता। ठीक है, लिखन नूं उवें भी लिख सकते हो, बैंड नहीं घटते, बट थोड़ा जिहा सही लगता, वधिया लगता भी उस सीक्वेंस चली गए, तो आप उस सीक्वेंस ही लिखन की ट्राई करांगे। पहला कार पार्क तो शुरू किया, हुण भी कार पार्क तो शुरू करांगे। टर्निंग टुवर्ड द प्रेजेंट डे मैप, हुण कार पार्क नूं की करदे इन्हां ने, एलीमिनेट, डिमनिश, वैनिश, डेमोलिश, जो मर्जी लिखो, तुहाडी मर्जी। ठीक है, हुण नाउ आ प्रेजेंट दे विच रखांगे, पास्ट का कोई भी चीज़ फस्ट फॉर्म यूज होगी, मेन चीज़ यही होंगी आ सेंटेंस दी। टर्निंग टुवर्ड द प्रेजेंट डे मैप, कार पार्क वॉज कंप्लीटली एलिमिनेट इन एलिमिनेट फ्रॉम द मैप। सॉरी, कंप्लीटली एलिमिनेटेड फिर आऊगा। ठीक है, फ्रॉम द मैप, दैन उस तो बाद टॉयलेट्स की गल करते हैं। ठीक है, जिहड़ा फिर आप सिनेमा हॉल की लोकेशन चेंज की हुई है, इसकी गल कर लें। लोकेशन में चेंज करना की कहते हैं, लोकेशन चेंज करना, रीलोकेट, रीलोकेट का मतलब। ठीक है, सिनेमा टू, सिनेमा टू इज री, या री सीधा लिख देने, सिनेमा टू रीलोकेट टू द, कौन सी डायरेक्शन है, ये कड़ी डायरेक्शन बनी, नॉर्थ वेस्ट, इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, कितों, फ्रॉम, ये कड़ी सी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, भी नॉर्थ ईस्ट तो इनू नॉर्थ वेस्ट के विच रीलोकेट कर दिता गया। ठीक है, आई थिंक टॉयलेट आपकी उत्थे दी उत्थे ही है, एंड टॉयलेट इज रिमेन्ड एट इट्स प्रीवियस लोकेशन, इज रिमेन्ड एट इट्स प्रीवियस लोकेशन। हुण सिनेमा वन नूं भी कीता होया इन्होंने, सिनेमा वन पहला थले सी, उन्हें उपर लैंदा। ठीक है, पहला आप इनू लिख दें भी आ सारिया चीज़ा नवी बनी। थ्री, न्यू, थ्री न्यू हॉल्स ऑफ सिनेमाज इज ऑल्सो अकाउंटेड इन द, ये सारी साइड में तुसी लिख सकते हो,
ईस्ट साइड ही टू द ईस्ट ऑफ द मैप। ठीक है, आफ्टर दैट हूँ सिनेमा वन की लोकेशन चेंज कर दो। Moreover, cinema one is also relocated just below the toilet. रीलोकेटेड बिलो द टॉयलेट एवं लिख सकते हो। ठीक है, हूँ इतने आ गया एंड इट्स लोकेशन इज ऑक्यूपाइड बाय फूड एंड ड्रिंक एंड रिलैक्स रूम। मैं लिखता हूँ, देखो मैं लिखा भी जो सिनेमा वन से उसकी लोकेशन चेंज करके टॉयलेट के जस्ट बिलो करती, इसकी जी लोकेशन सी वो कि ऑक्यूपाई कर ली फूड ड्रिंक के रिलैक्स रूम। ठीक है, सिनेमा वन इज ऑलसो रीलोकेटेड बिलो द टॉयलेट एंड इट्स लोकेशन इज ऑक्यूपाइड बाय द फूड ड्रिंक एंड रिलैक्स रूम। ठीक है, हूँ लास्ट के टिकट की शॉप तो टिकट उत्थे दी उत्थे है, ड्रिंक्स की जगह पर डीवीडी शॉप बन। ठीक है, सेक्शन ऑफ टिकट इज अनचेंज्ड बट द ड्रिंक shop is replaced with DVD shop but jo drink sigi shop sigi oh DVD shop de vich apne relocate hogi, sorry change hogi, relocate te nahi likhya na, replace hogi। ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਪਹਿਲੇ ਬੀ ਪੀ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੀ ਪੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਿਸ ਲਿਖਣੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਨਲਾਰਜ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੋਲ ਹੋਈ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਂਡ ਵਧੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ।